वेलकम टू आईएस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट राजू अय्यर। आज आईएस किचन में हम भिंडी वाली कढ़ी बनाएंगे। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक हर स्टेट में एक कढ़ी बनती है, लेकिन हर स्टेट का अपना अपना अंदाज रहता है। आज हम जो भिंडी वाली कढ़ी बना रहे हैं वो वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं कढ़ी बनाने। हम अभी भिंडी वाली कढ़ी बना रहे हैं। इसके लिए भिंडी को हम पहले पका के लेंगे। इसके लिए हमने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें हमने डाला है 2 टेबलस्पून तेल। हमने यहाँ 500 ग्राम भिंडी इस तरह काट के लिया है। अभी इसे हम अच्छी तरह पका के लेते हैं। भिंडी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका भिंडी का जो चिपचिपाहट है वो निकल जाना चाहिए, तब तक इसे बनाएंगे। और थोड़ा क्रिस्प रहने से ये जो हम कढ़ी बना रहे हैं उसमें एक अच्छा स्वाद और मज़ेदार बनता है। तो इसे हम अभी फ्राई करके लेते हैं। इसमें डालते हैं भिंडी को जितना चाहिए उतना नमक, अब भिंडी अच्छा पकने तक हम इसे इंतजार करते हैं। भिंडी को हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। इन द मीन टाइम हम यहाँ कढ़ी का जो ग्रेवी है उसे हम बना के लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप इस तरह दही लिया है। दही थोड़ा खट्टा रहना चाहिए। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच बेसन। इसमें दही के साथ अच्छा सा मिक्स करके लेते हैं। अच्छा से हमें मिलाना है। इसे मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना हमने दही लिया है उससे 4-5 गुना हमें पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि हम इस कढ़ी को पकाएंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरह मिक्स करके ले लिया है। अभी इस कढ़ी को हमें पकाना है। इसके लिए हमने यहाँ दूसरा पैन यहाँ चढ़ा के रख दिया है, जिसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 आधा चम्मच अजवाइन और जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा करी लीव्स और अदरक। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसे 1 आधा मिनट के लिए हम अच्छी तरह भून लेते हैं। हम कढ़ी इस पैन में पका रहे हैं, इसके लिए भिंडी को हमने दूसरा बर्नर में शिफ्ट कर दिया है और बीच बीच में हम उसे भी चलाते रहेंगे। अब ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो कढ़ी हमने मिश्रण बना के रखा था इसे। हम इसे अच्छी तरह चलाते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन अच्छी तरह पकना भी चाहिए और एक बॉईल आने तक आप इसे चलाते रहिए, नहीं तो बेसन नीचे चिपकने का चांसेस है। इसके लिए इसे एक बॉईल आने तक आप इसे अच्छी तरह चलाते रहिए। अब हमने
भिंडी के लिए नमक डाला था, अब जितना नमक चाहिए उतना कढ़ी के लिए वो भी डाल के लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉईल होना शुरू हो गया है कढ़ी। अभी हम भिंडी भी हमारा जो है वो भी अच्छी तरह पक चुका है। अभी हम गैस को थोड़ा कम करते हैं और इसमें ये जो भिंडी हमने पकाया है इसको डाल देते हैं। अभी इस मिश्रण को हम आराम से एक 10-15 मिनट मिनिमम इसको लो फ्लेम में कुक करके लेना है, जब तक कढ़ी हमारा गाढ़ा हो तब तक। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा कढ़ी जो है वो एकदम थिक हो गया है, अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालकर गार्निश करते हैं। गैस बंद कर देते हैं। अगर कभी भी आपको लगे कि आपका कढ़ी जो है बहुत थिक है या गाढ़ा है तो आप इसमें पानी जिस तरह आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे आप इसमें मिला सकते हैं। अभी एक चीज हमारा बाकी है, हमें इसमें तड़का लगाना है। तड़का के लिए हमने यहाँ तड़का पैन रख दिया है, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच घी। अब उसमें हम घी गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 लाल मिर्च जिसको हमने टुकड़ा करके लिया है, थोड़ा करी लीव्स और 1 चुटकी हिंग। अच्छी तरह हम इसे मिला लेते हैं। भिंडी वाली कढ़ी एकदम तैयार। आप इसे गर्मा गर्म चावल या खिचड़ी के साथ इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि भिंडी वाली कढ़ी हमने किस तरह बनाया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले बार और एक मजेदार डिश के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।